अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम माई कराची एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं और मैक्टो फूड्स के स्टॉल के ऊपर हैं, जिनका मशहूर ज़माना ब्रांड है फलक। और हमारे पास जमाल खान साहब मौजूद हैं। जमाल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक का, फुटफॉल कैसा है एग्जीबिशन का? नहीं, माशाल्लाह से KCCI ने काफ़ी मेहनत किया इस बार। लास्ट काफ़ी टाइम से ये डिले हो रहा था इवेंट, 2019 में लास्ट इवेंट हुआ था ये। लेकिन ये है कि इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक ह्यूज इन्होंने तकरीबन 6 हॉल हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है करंटली। सो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि KCCI ने काफ़ी अच्छा किया है। बाकी फ़ुटफॉल की अगर मैं बात करूँ तो अभी स्टार्ट है, लेकिन अभी से ही नज़र आ रहा है कि फ़ुटफॉल लोगों का बहुत अच्छा है। ठीक है, फलक राइस अगर मैं ब्रांड को लेके बात करूँ तो पाकिस्तान में ये समझ लें वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर फलक राइस ही है करंटली। अभी हम लोगों ने मसाले भी लॉन्च किए हैं फलक मसाले के नाम से, जिसमें फ्राइज रेंज भी है हमारी और शेकर बॉटल्स के अंदर काफ़ी सारे मसाले की कंप्लीट रेंज हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम लोग न्यू डिविजन्स में भी जा रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग राइस में नहीं है, मसालों में नहीं है, अभी हम राइस ग्लूकोज में भी हैं, कॉर्न स्टार्च डिवीजन भी हमारा रेडी हो रहा है, सो उस साइड पे भी जा रहे हैं। फलक फ्राइड चिकन भी लॉन्च किए हमने। सो ये है कि न्यू प्रोडक्ट लाते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट लेकर आएँ मार्केट के अंदर। और पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप देखें तो अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो फलक आपको पाकिस्तान में नेशनली कम्प्लीटली हर जगह अवेलेबल हैं हम। सो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। और अगर एक्सपो सेंटर है KCCI के माई कराची की बात करें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इवेंट है और लोगों का बहुत अच्छा फुटफॉल है। अच्छा, ये बताएं कि फलक जो पहले एक चावल का ही ब्रांड के नाम से मशहूर था, तो अब आप ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप आ रहे हैं, तो लाजमी बात है एक बैरियर ये होता है कि आप जब एक ब्रांड एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो फिर उस बैरियर को तोड़ना कि नहीं यार हम और भी चीज़ों के अंदर आ रहे हैं, उस चीज़ को कैसे कैटर कर रहे हैं? अच्छा, देखें फलक को लोग अभी भी जो है राइस से ही जानते हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट लिया तो राइस से ही स्टार्ट लिया फलक राइस के नाम से। लेकिन अब जैसे जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है। जो हम लोग जो BTL एक्टिविटीज़ एक्सपो में, जैसे अभी एक्सपो सेंटर में लगी है, हम मसाला लगी थी, डिफरेंट डिफरेंट हम जगह पर जाके यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि फलक जो है वो अब सिर्फ राइस का ब्रांड नहीं है, हम मसालों में भी हैं और काफ़ी सारे डिवीजन में। सो लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आप मैं बात करूँ तो बड़े बड़े LMTs पे IMTs पे हम लोग मसालों से अवेलेबल हैं। इम्तियाज़ में अगर आप बात करें तो इम्तियाज़ में हमारे सारे मसाले अवेलेबल हैं। सो एक अवेयरनेस लोगों को हो गई है कि मसालों में अब फलक सिर्फ राइस का ब्रांड नहीं है, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया और काफ़ी सारी चीज़ों में अब आ रहे हैं। अच्छा, जब आप ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हैं आम बंदा, तो वो देखता है कि यार जो चावल खुला चावल मिल रहा है और फलक का चावल है, तो उसमें फ़र्क क्या है, क्वालिटी वाइज कैसा क्या फ़र्क है, प्राइस वाइज कैसा फ़र्क है? जब आप ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि शायद प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, देखें असल में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सबसे बिगेस्ट हर्डल कह लें या फिर हमारा कॉम्पिटिटर कह लें, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ही हमारा जो है वो जो खुले राइस मिलते हैं शॉप्स के ऊपर, वो हमारा कॉम्पिटिटर कह लें। सो उसकी प्राइस को हमें भी मेंटेन करना है, उसको टच करना है। लेकिन अगर फलक की बात करें तो फलक एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ आप चले जाते हैं, हमारी पैकेजिंग से लेके चावल की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट राइस इन पाकिस्तान जो है अभी फलक एक्सट्रीम राइस है, जो आप किसी से भी कम्पीट नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर अभी कोई। सो ये है, अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हैं वहाँ कुछ डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।